नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट रही चैनल पर। फिर से दोस्तों आपसे एक बीच आज लेटेस्ट अपडेट के साथ हैं। बात करेंगे दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। 69,000 भर्ती के दोस्तों इस मुद्दे के जो कोर्ट ऑर्डर है वो अपलोड हो गए, इसको लेकर दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जिससे दोस्तों अभ्यर्थी को अब जाकर के जो राहत है वो मिली है। साथ में यहाँ पर दोस्तों एक याचिका भी खारिज हुई, इसको लेकर भी दोस्तों हम बात करेंगे। तो दोनों अपडेट को दोस्तों हम कवर करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबा लें, जिससे कि आप सभी को लेटेस्ट न्यूज नोटिफिकेशन मिलते हैं। ज़्यादा जानकारी आप सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आप सभी को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको बताया कि 69,000 भर्ती के अंदर तमाम विवाद दोस्तों लगे हुए हैं, अगर बात करें हाई कोर्ट के अंदर, डबल बेंच के अंदर या फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसी क्रम में दोस्तों लगातार तमाम जो ऑर्डर हैं वो भी देखने के लिए मिलते रहते हैं। सबसे बड़ा दोस्तों इंतजार है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को लेकर, लगातार दोस्तों अभ्यर्थी पूछते रहते हैं। मैंने उन सभी को बताया भी है कि 1 तारीख तक की सप्लीमेंट्री कॉजेस दोस्तों आना अभी बाकी है, अगर उसके अंदर ऑर्डर होगा तो बेनिफिट मिल सकता है, अदरवाइज फिलहाल दोस्तों सिर्फ और सिर्फ वही कह रहा है जो पिछले 2 साल से आप सभी करते आ रहे हैं, जो कि है दोस्तों इंतजार, क्योंकि ऐसे में दोस्तों ऑर्डर जल्द आने की संभावना तो बन रही है, लेकिन किस तारीख को आएगा इसके लेकर दोस्तों अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। उम्मीद करते हैं दोस्तों पहले सप्ताह के अंदर सितंबर के आपका जो ऑर्डर है वो देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे कि दोस्तों यहां पर संभावना देखने के लिए मिल रही है। तो यहां पर दोस्तों आप सभी के सामने जो ऑर्डर है वो आ चुका है, जिसके बारे में दोस्तों हम बात करने वाले हैं, जो कि दोस्तों संशोधन से संबंध में 46002020 आप सभी के सामने, जिसकी दोस्तों सुनवाई हुई। सुनवाई होने के बाद में कोर्ट की तरफ से जो आदेश है वो आ चुका है। मामला क्या है दोस्तों आप सभी के सामने लिखा हुआ कि 69,000 भर्ती के लिए आवेदन लिए गए थे और आवेदन के अंदर दोस्तों यहाँ पर जो करेक्शन की जो मांग है वो की गई है। ऐसे में दोस्तों अगर बात करें बेसिक शिक्षा परिषद के जो वकील हैं वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनकी तरफ से यहाँ बताया गया वेदर द करेक्शन कैन बी मेड आफ्टर फिलिंग अप द फॉर्म। उनकी तरफ से स्पष्ट तौर पर यह कहा गया जब एक बार यहाँ जो फॉर्म भर जाएगा उसके बाद किसी प्रकार का कोई भी दोस्तों यहाँ पर जो करेक्शन है वो नहीं किया जाएगा, मतलब सुधार का जो मौका है वो देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो उसी क्रम में दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें कोर्ट की तरफ से स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं चयनित हुए उन सभी को दोस्तों यहां पर संशोधन का मौका दिया जाए, उनके प्रत्यावेदन पर विचार किया जाए नियमानुसार, यह भी दोस्तों यहां पर चीजें देखने के लिए मिल रही हैं। तो ऐसे में यहां पर दोस्तों एक शब्द फिर से जुड़ जाता है जो कि दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलता है कि मेरिट प्रभावित ना होने वाले संशोधन आप सभी के यहां किए जा सकते हैं, इसको लेकर कोई समस्या नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने सुबह की वीडियो के अंदर भी आप सभी को बताया है कि प्राप्तांक पूर्णांक वाला जो संशोधन है वो सरकार की तरफ से कभी भी करवाया जा सकता है, सरकार चाहेगी तो दोस्तों बड़ी आसानी से करा दिया जाएगा। अब ऐसे में कोर्ट की तरफ से यहाँ पर राहत दी गई है, कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि नियमानुसार इनके प्रत्यावेदन पर विचार किया जाए, जो कि दोस्तों यहाँ पर आदेश आप सभी को देखने को मिला है और याचिका को दोस्तों यहाँ पर डिस्पोज किया जा चुका है जो कि आप सभी के सामने है। बाकी दोस्तों फैसला सरकार को लेना है किस प्रकार दोस्तों आपसी के यहाँ जो प्रत्यावेदन है वो लिए जाएंगे। मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूँ, कुछ अभ्यर्थी बार बार पूछते हैं कि आपकी जो वेबसाइट है वो खोली जाएगी, बिल्कुल वेबसाइट नहीं खोली जाएगी, आप सभी के लिए एक तरीके का एफिडेविट ले लिया जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों आपसी का यहाँ संशोधन वो देखने के लिए मिल जाएगा, जो भी अभ्यर्थी की दोस्तों गलती हुई, किसी प्रकार की कोई भी गलती हुई हो अगर प्राप्तांक पूर्णांक को छोड़ करके है तो उसमें दोस्तों सरकार की तरफ से क्या किया जाएगा इस पर फिलहाल आप इंतजार कर सकते हैं। वही दोस्तों अगर बात करें क्योंकि प्राप्तांक पूर्णांक को लेकर दोस्तों, इसलिए मैं आप सभी को कहता हूं क्योंकि आप सभी को पता है कोर्ट भी यहां पर इसी बात को कहती है कि नियमानुसार जो भी दोस्तों हो सकता है उस प्रकार या प्रत्यावेदन विचार लिया जाना चाहिए, मतलब जो विचार है वो किया जाना चाहिए। इस वजह से दोस्तों आपको जो प्राप्तांक पूर्णांक वाले अभ्यर्थी थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सरकार की तरफ से जो भी चीज़ें होंगी स्पष्ट कर दी जाएंगी। 68,500 के अंदर भी प्रत्यावेदन लेकर के एफिडेविट लेकर के दोस्तों उनका जो सुधार है वो कर दिया गया था। उसी क्रम में दोस्तों एक और यह मामला लगा हुआ था जो कि दोस्तों आप सभी के सामने BTC अगर बात करें 2015 बैच का मामला, जैसा कि आपको पता है कुछ अभ्यर्थी दोस्तों इसके अंदर जो बैक लग गया था, बैक लगने की वजह से दोस्तों भर्ती के अंदर तो शामिल हो गए थे, लेकिन आपको पता है भर्ती लटक गई, भर्ती लटकने की वजह से उनका रिजल्ट बाद में आया। अब ऐसे में वह सभी चाहते हैं कि उनको यहाँ नियुक्ति मिल जाए, तो बताना चाहूँगा BTC 2015 के ऐसे अभ्यर्थी जिनका रिजल्ट 69,000 भर्ती के आवेदन खत्म होने के बाद में आया है, वह इस भर्ती के अंदर पात्र नहीं है, चाहे वो BTC है या BEd है। कोई भी 200 अभ्यर्थी ऐसा जिसका रिजल्ट अगर बात करें जो आवेदन खत्म होने के बाद 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर आया है, वो अगर चयनित भी हो गया है तब भी उनको यहाँ पर दोस्तों नियुक्ति नहीं दी जाएगी, ना तो सरकार की तरफ से माना जाए ना ही दोस्तों कोर्ट की तरफ से माना गया है। उसी क्रम में दोस्तों आप सभी के सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों बात हुई थी एक और याचिका को लेकर जो कि दोस्तों यहाँ पर खारिज की जा चुकी है, जिसके अंदर किसी प्रकार का कोई भी ऑर्डर नहीं दिया गया। ये थी दोस्तों अभी अभी की लेटेस्ट अपडेट। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबा लें, जिससे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियोज नोटिफिकेशन मिलते हैं। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।